हेलो दोस्तों, बी आर सेवन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अभी आप लोग जो देख रहा है स्टूडियो मास्टर का, दोस्तों AR6 है, ठीक है। ये प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सिंग कंसोल है दोस्तों। ये अपना भाई ने मेरे पास भेजा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। मतलब ये जो दोस्तों, ये भाई जो ये बेच रहा है ये, ठीक है, और नया कंडीशन में है। अभी तक मैंने खोल के दिखा नहीं है। बोल रहा है कि उसने एक ही बार ही यूज़ किया हुआ है। उसने लिया था कि दोस्तों उसके पास क्या एक मीडियम इस तरफ बड़ा मिक्सर है, ठीक है, और ये है तक ये सोच रहा था कि कोई थोड़ा बहुत दो तीन इंस्ट्रूमेंट वाला बुकिंग भी आ जाए जिसके लाइव प्रोग्राम के लिए दोस्तों, उसमें भी क्या ये चल सके। तो उस हिसाब से उसने लिया हुआ है, क्योंकि बिजनेस ना चलने के चलते उसका अपना जितना भी सेटअप है दोस्तों सब बेच दिया है, ठीक है। तो यही बचा हुआ था, भाई ने बोला है कि ये कंडीशन में ठीक है। तो आज क्या पता शायद आपका यूट्यूब में दिखाने से कोई अपना भाई चाहे तो उसको ले सके दोस्तों। उसने किया मेरे पास भेजा हुआ है, जो ओनर नंबर है दोस्तों, ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है उसने, ठीक है। तो ये उसका भाई का नाम है ये। और दोस्तों इसको तो आप लोगों को पता ही है मॉडल नंबर क्या है AR6 का, जो पहले दोस्तों निकला हुआ है वही मॉडल है, ठीक है। तो अभी जो निकला हुआ है वो भी 6 चैनल में, इसमें अभी वो दे रहा है क्या नाम बोलते हैं उसमें ब्लूटूथ टाइप का जो नहीं है अपना, वो जो ब्लूटूथ नहीं बोलेंगे उसको, हम USB टाइप का ऑप्शन दे रखा है। USB से क्या है दोस्तों, गाना प्ले कर सकता है, ठीक है, अभी के जो है वो है। लेकिन दोस्तों प्राइस है 15,500 ऑनलाइन चल रहा है। और ये मॉडल है दोस्तों, अभी मैं ये भी बता दूँ, ऑनलाइन मॉडल अभी इसका चल रहा है 14,000 चल रहा है, ठीक है। 14,000 कुछ वेबसाइट में 14,000 चल रहा है, कुछ वेबसाइट में 13,500 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो भाई ने बोला है बेचने के लिए, ये 10 में बोला है। यदि आप लोग चाहिए सीरियस है दोस्तों, क्या आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये भी नहीं पता है मुझे कि वो कितना में देगा, लेकिन उसने तो बोला है कि 10 तक मैं दूंगा, लेकिन उससे कम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग हमें फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम क्या है दोस्तों, अंदर हम खोल के दिखाते हैं इसके अंदर किस कंडीशन में रखा हुआ है, क्या है। और मिक्सर आप लोग यदि सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं तो किस चीज़ को ऊपर ध्यान देना चाहिए, अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा वीडियो में बने रहना, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा स्टैंड में थोड़ा लगा लेता हूँ मैं। हाँ, अभी हम आते हैं दोस्तों इसके ऊपर, अभी हम भी खोल के देखते हैं। अभी उसने ये बांध के दिया था दोस्तों, मैंने जस्ट रस्सी खोले हैं मैंने आप लोग, अभी आप लोग को मैं दिखाई नहीं दोस्तों। पैकिंग जैसे करके रखा है, जैसे जो नया देता होता है दोस्तों, ऐसे ही उसने पैकिंग करके रखा हुआ है। और ये पावर कॉर्ड है, और ये इसका अंदर का जो मिक्सर है दोस्तों, ठीक है। हम इसको बॉक्स को दोस्तों निकाल लेते हैं, साइड कर देते हैं, इसको पन्नी को खोल देता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, आप लोग अभी देख रहे होंगे दोस्तों, चमक धमक कैसा है, बिल्कुल नया जैसा अंटा जैसा है। उसने बोला भी है कि दोस्तों एक ही बार उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एक प्रोग्राम बोला एक बार यूज़ किया हुआ है, उसके बाद उसने कभी यूज़ करने नौबत नहीं आया, क्योंकि ये अपना माइक ज़्यादा होने पर एक्सटेंशन के लिए ही ये यूज़ करने के लिए उसने लिया हुआ था, ठीक है। इससे बड़ा मिक्सचर है बताते हैं उसके पास। और आपको क्या बताना था, हाँ दोस्तों, जब आप लोग मिक्सचर जब दोस्तों सेकेंड हैंड लेते हो तो क्या है, कभी चमक धमक देख के कभी नहीं लेना, ठीक है दोस्तों। उससे क्या पता चल जाता है कि इसने कितना रब यूज़ किया हुआ है और कितना क्या हुआ है, जो जानना है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी क्या फेडर को देखना है, ठीक है। ये जो चमक धमक जो है दोस्तों, हम क्या ब्रश वगैरह से पेट्रोल से करने से क्या है दोस्तों, ये चमक क्या है साफ हो जाता है, मतलब क्या चमक जाता है, ठीक है। आपको मिक्सर का क्वालिटी जानना है तो दोस्तों कभी भी क्या है, आप लोग अपना ये जो फेडर जो है दोस्तों, हल्का सा धक्का मारना, ठीक है, स्मूथ जाता है। तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसके ऊपर बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है मिक्सर है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताएं, कोई भी मिक्सर होता है दोस्तों, ये फेडर के ऊपर सब डिपेंड होता है। इसके ऊपर धूल मिट्टी जैसे क्या है टाइट होता है, और आवाज़ क्या फटफड़ाने का आवाज़ भी, मतलब फटाफट साउंड भी करता है, क्लियर भी नहीं करता है, ठीक है, जर 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 जैसी आवाज़ करता है। तो उस चीज़ को देख के क्या दोस्तों, आप लोग भी सेकंड लेते हो तो ऐसे लेना। लेकिन इसका कंडीशन दोस्तों देख के मुझे ऐसा लगा कि उसने वाकई में एक ही बार ही यूज़ किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मिक्सर में दोस्तों होता क्या है, यूज़ करें ना करें, एक बार आपने बाहर जाके ऐसे रख दिया दोस्तों, ठीक है, चलाओ ना चलाओ, उसके अंदर दोस्तों धूल जाने से ना ये थोड़ा टाइट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है उसने सही बोला है, खुला ही नहीं होगा, उसने एक ही बार खुला होगा, ठीक है, तो उसके बाद नहीं खुला होगा। और जितना भी दोस्तों ये जो चमक दमक जो होते हैं वो पेट्रोल से मेहनत से निकल जाता है, लेकिन क्या दोस्तों, इसका फेडर के अंदर दोस्तों जो धूल मिट्टी जो है उसको खोलने के लिए साफ तो हो जाता है, ये नहीं बोलो साफ नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या दोस्तों उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसने इसके ऊपर इतना मेहनत नहीं किया है, ठीक है, तो मेहनत नहीं किया है, वेस्ट नहीं कर रहा, यूज़ नहीं कर रहा दोस्तों, मेहनत किस लिए करना, ठीक है। तो देखने में पता चल जाता है बिल्कुल स्मूथ है, जैसे नया में दोस्तों स्मूथ होता है, तो ऐसा ही स्मूथ है अभी भी, ठीक है। तो दोस्तों जिस भाई को भी दोस्तों ये अपना चाहिए तो ठीक है, तो हमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और कम करना है कि नहीं है, तो आपके लोग का बजट नहीं बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है दोस्तों, क्या एक बार कंफर्म करके हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको भी पूछूंगा कि आप लोग कितना में लेना चाहते हैं, कितना तक क्या है क्या नहीं, वो कितना डाउन कर सकता है, तो उसको मैं पूछ के क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन अभी उसने ऐसे ही भेजा हुआ है कि 10 तक बता देना, उसने इतना ही बोल के दिया है, तो मैं इतना ही बता रहा हूँ मैं आप लोग को, लेकिन ये नहीं बोला कि कॉल करके इससे भी कम कर सकता है, वो कर सकता है, ये मैं दोस्तों अभी हम दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही है अपना आज का वीडियो, उसके बाद हाँ दोस्तों वीडियो आने तो बहुत थे दोस्तों, ठीक है। ये तो दोस्तों बाहर जो देख रहा है, ये जो बाहर देख रहा है, देखो दोस्तों बारिश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इससे पहले वीडियो मैंने शूट भी किया है, एक छोटा सा शूट किया, लेकिन बारिश करते थे वो आधा अधूरा वो टेस्टिंग था वो, ठीक है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया वीडियो को भी, नया रिफ्रेश बनाएंगे। और दोस्तों ये मौसम के चलते मैंने बाहर टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और अपना ये भी बनाना था, ये वीडियो भी बनाना था कि अपना पॉप LD 18, ठीक है, पॉप LD 18 और अपना जो उसके बाद जो अपना स्कूप बैच जो है दोस्तों उसको कंपेरिजन में और करके देखना था, और प्लस उसमें क्या मॉडिफिकेशन में पॉप LD 18 की तरफ बजेगा दोस्तों, उसके ऊपर देखने थे, ठीक है। तो मौसम देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो था दोस्तों यही था कि अपना क्या नाम बोलते हैं उसका, हाँ, पावर एम्पली, जैसे कि 6000 वाट पावर एम्पली में 50 वाट का अपना जो PA का ड्राइवर यूनिट जो है दोस्तों वो चला पाएगा नहीं चला पाएगा, वही था, लेकिन ठीक है वो अधूरा है, अभी तक कंप्लीट होने पर तुरंत आप लोग को अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो इतना ही है, और दोबारा आप लोग से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ये चाहिए तो आप लोग हमें कॉन्टेक्ट करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।